रहीमे खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर उम्मीदवार हल्का एनए 172 चौधरी जफर इकबाल वड़ाइज, उम्मीदवार सूबाई असेंबली हल्का पीपी 262 रियाज राजा सोलंगी की पीपल्स पार्टी कल्चर विंग के जिले जनरल सेक्रेटरी राइस तारिक खोखर की जानिब से कॉर्नर मीटिंग। मजीद जानते हैं सादिक की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर उम्मीदवार हल्का एनए 172 चौधरी जफर इकबाल वड़ैच, उम्मीदवार सूबाई असेंबली हल्का पीपी 262 राजा खान सोलंगी की पीपल्स पार्टी कल्चर विंग के जिले जनरल सेक्रेटरी रईस तारिक खोखर की जानिब से कॉर्नर मीटिंग के मौका पर खिताब करते हुए कहा कि मैं वापस पीपल्स पार्टी में आकर जो खुशी महसूस कर रहा हूं वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मजबूरी के तहत पार्टी छोड़कर गया था मगर वर्करों से राब्ता नहीं तोड़ा। उन्होंने मजीद कहा कि 8 फरवरी को बाद इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के वजीर आजम होंगे और पीपल्स पार्टी की क्यादत में पाकिस्तान को मौजूदा बुरहानों से निकाल सकते हैं। पीपल्स पार्टी का 10 निकाती एजेंडा मुल्क की तकदीर बदल देगा। कैमरामैन फहीम अली के साथ अली सादक, राज न्यूज, रहीम यार खान।